तो आप सब कुछ जोहार। जैसा कि आप यहां पर खबर देख सकते हो कि बंगाल में टकराई दो मालगाड़ियां, झारखंड की आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित, देखिए पूरी लिस्ट। तो चलिए देख लेते हैं, आप देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रेनें आपस में भिड़ गई हैं और इस तरीके से ये हादसा हमें देखने को मिल गया है। बंगाल में दो मालगाड़ियों के आपस में टकराने से यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त वो हो चुकी हैं। झारखंड में आधा दर्जन ट्रेनें जो है वो परिचालन पर असर हुआ है, यानी कि काफी सारी ट्रेनें हो सकता है कि बंद कर दी गई हों। आंध्रा बांकुड़ा रेलखंड पर रविवार सुबह तकरीबन 4 बजे दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। यह हादसा ओंडाग्राम स्टेशन के पास हुआ है। हादसे में इंजन और 11 वेगन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोको पायलट और गार्ड को चोटें भी आई हैं। हादसे के बाद 9 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रांची की भी आधा दर्जन ट्रेनें जो है वो इस वजह से प्रभावित हो गई हैं। बताया जा रहा है कि सिग्नल की अनदेखी की वजह से यह हादसा हुआ है, जैसा कि हमें बालोसेर वाली घटना में भी देखने को मिला था। लोको पायलट और गार्ड से हुई पूछताछ। हादसे के बाद रेलवे ने 2 लोको पायलट और 1 गार्ड तथा स्टेशन मास्टर से भी पूछताछ की है। अन्य से जल्द ही यहां पर पूछताछ की जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की जीएम अर्चना जोशी ने शाम को बांकुड़ा पहुंच घटना का जायजा लिया। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जाँच करने का यहाँ पर आदेश दिया है। आधा दर्जन ट्रेनें हुई प्रभावित। गौरतलब है कि मालगाड़ी हादसे की वजह से बिष्णुपुर धनबाद पैसेंजर, रांची बरकाकाना आंध्रा आसनसोल पैसेंजर, खड़गपुर आसनसोल पैसेंजर, संतरागाछी पोरबंदर एक्सप्रेस, खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस, रांची बोकारो पैसेंजर और इसके अलावा यहाँ पर हावड़ा रांची एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो प्रभावित हुई है। इसके अलावा नंदन कानन कवि गुरु एक्सप्रेस और रांची हावड़ा एक्सप्रेस को आगरा के बजाय टाटानगर वाया हिजली खड़गपुर होकर चलाया गया, जबकि खड़गपुर रांची एक्सप्रेस गोदपिया शाल स्टेशन तक चली है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ खबर निकल कर आ रही है। बाकी देखते हैं कि इस समस्या को कब तक समाधान कर दिया जाएगा। जोहार।